अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, उम्मीद कर दूँ कि सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और बहुत अच्छे होंगे। तो जी आज हम बनाने जा रहे हैं हरे मसाले के दही बड़े, जिसके लिए हमें क्या क्या चाहिए, माश की दाल और मूंग की दाल। तो सबसे पहले हमने यहाँ पे एक दाल डाल दी अपनी वाइट वाली बाउल के अंदर डाल दी। अब हम येलो वाली दाल डालेंगे अपने बाउल के अंदर और हम इसको देख लेंगे कोई गंदगी शंदगी तो नहीं है, सब साफ़ सुथरा है। फिर हम इसमें पानी डाल के इसको वॉश कर लेंगे। वॉश करने के बाद इसको भिगो देंगे तकरीबन आधे घंटे के लिए, आधे घंटे तक हम भिगो देंगे। चलो जी अब इसमें पानी डाल लेते हैं और पानी डाल के इसको रख देते हैं थोड़ी देर के लिए भिगो के। सही है, नीचे बिठा देते हैं दाल को यहाँ पे अपनी, ताकि जितनी भी दाल हो वो भीग जाए और नीचे बैठ। चलो जी यहाँ पे दाल रख दी है हमने। उसके बाद ये सारा चीज़ें हैं जो जो हमने यूज़ करनी है। पुदीना है, एक मीडियम साइज का अनियन है, फिर हरा धनिया है, हरी मिर्च है, एक छोटा टुकड़ा जो है हमारे पास अदरक का ही, हम पूरा नहीं लेंगे, इसको हाफ़ कर लेंगे, अदरक हमने इतनी लेनी है। उसके बाद हमारे पास ये गार्लिक है और फिर हम आगे देखते हैं फिर हमारे पास क्या है। फिर यहाँ पे आ जाते हैं हम, तो यहाँ पे हमारे पास है अजवाइन है यहाँ पे, फिर रेड चिली फ्लेक्स हैं, फिर जीरा है और उधर नमक रखा हुआ है। चलो जी अब ये सारा सामान आप लोग देख लो, ये सारा वो सामान है जो हमारी फुल्कियों के अंदर जाएगा। अब हम कर लेते हैं अपनी रायते की तैयारी। तो उसके लिए हमें हाफ के जी योगर्ट चाहिए, उसके बाद कोरिएंडर लीफ चाहिए आधी गड्डी, आधी गड्डी जो हमें मिंट लीफ की चाहिए, कड़ी पत्ता हम आखिर में इस्तेमाल करेंगे भगार के लिए, और इधर जो रखा हुआ है ये जो है नमक आ जाता है, चिली फ्लेक्स आ जाता है और जीरा आ जाता है, और ये हमारे पास मिल्क है जो हमें रायता बनाते वक्त चाहिए होगा उसको घोलने के लिए। तो ये सब सामान है जो हमारे रायते में इस्तेमाल होगा, और जो पहले दिखाया था वो था जो हमारी फुल्कियों में इस्तेमाल होगा। तो अब ये सारा कंबाइंड सामान रखा हुआ है जो जो हमारी पूरी रेसिपी में इस्तेमाल किया जाएगा। ठीक हो गया, यहाँ पर देख लो कितनी कितनी क्वान्टिटी है जो हमने इस्तेमाल करनी वो सब लिखी हुई है। चले जी अब हम आ जाते हैं अपने रायते की चटनी की तैयारी की तरफ। तो सबसे पहले हमने हरा धनिया, हरी मिर्च और पुदीना लेके वॉश कर लेना है और उनको प्यार से काट लेना है अपने कटिंग बोर्ड पे रख के। उसके बाद हमने इसमें ऐड कर देना है नमक, जीरा और चिली फ्लेक्स, जितनी जितनी हमने बाउल में निकाल के रखा था। अब हम थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे चटनी बनानी है क्योंकि हमने, और उस पर हम ग्राइंडर का ढक्कन लगा के और उसको घर 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 चला देंगे। अब हमारी ये चटनी तैयार हो जाएगी। जब ये चटनी तैयार हो जाएगी तो हम इसको बाउल में निकाल के अलग से रख लेंगे। चलिए जी अब यहाँ पे हमारा ग्राइंडर चल रहा है, इसको हम तैयार होने देते हैं। चटनी बन रही है यहाँ पे हमारी। अब हमारी चटनी तैयार हो चुकी है, रेडी हो गई, मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। ये देखो ये चटनी बिल्कुल अच्छी तरीके से पिस के तैयार हो चुकी है। अब हम इसको बाउल में निकाल के रख देंगे एक साइड पर। अब जब हम रायता बनाएंगे जब इस्तेमाल आएगी हमारे। चलिए जी ये हो गया एक तरफ। जो हमने दालें भिगोई थी 3 आवर्स पहले, अब हम उनको डालेंगे अपने ग्राइंडर के जग में। उसके बाद हम हरा धनिया, पुदीना और गार्लिक और हरी मिर्च डालेंगे और जिंजर भी डालेंगे, और फिर इसमें हम प्याज भी ऐड करेंगे, जो जो हमारा सामान था जो मैंने बताया था आप लोगों को हमारी फुल्कियों में डालेगा, ये फुल्कियों वाला सामान है, और चिली फ्लेक्स और नमक और जीरा और अजवाइन और ये सब कुछ डाल के हमने बिल्कुल मामूली सा पानी डालना है, कुछ कतरे चंद कतरे डाल के, और फिर इसको हमने घुमाना है। इसको पीसना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है कभी कभी अगर ग्राइंडर का जगह आपका काम ना कर रहा हो तो, वरना बहुत ईजीली पिस जाता है। और फिर हम इसको लगा देंगे, देखिए ऊपर तक आएगा भी नहीं क्योंकि बहुत फोमी फोमी सा बनता है, बहुत गाढ़ा गाढ़ा सा पेस्ट बन जाएगा ये आपका। अब देखें ये हमने बना लिया और ये अब हम निकाल देंगे एक बाउल में। ये देखो कैसा इसकी कंसिस्टेंसी आप लोग चेक करो कैसी आ रही है, बहुत थिक पेस्ट बनता है ये। इसमें हमें कोई बेकिंग सोडा या जो खाने का मीठा सोडा वगैरह होता है जो हम नॉर्मली फुल्के में डालते हैं दही बड़े की, तो हमें वो सब कुछ नहीं डालना पड़ेगा। अच्छा अभी यहाँ पर जो है मैंने हीटर का इस्तेमाल किया है सो डैट इट बिकम मोर फोमी। चले जी अभी हमारा ठीक से बटर बन के रेडी हो गया। अब हम इसको चेक करेंगे कि बिल्कुल ठीक से तैयार हुआ है या नहीं। अब देखें यहाँ पे मेरी अम्मी ने एक टिप बताई है कि इसको चेक करने का क्या तरीका होता है, वो ये है कि आप हल्का सा ले अपनी फिंगर की टिप पे और इसको पानी के बाउल में डालें। अगर से ये बैटर नीचे जाके बैठ जाता है तो मतलब अभी ये तैयार नहीं हुआ, और अगर ये पानी में ऊपर ही ऊपर रहता है तो मतलब ये बिल्कुल ठीक का बैटर हमारा तैयार हुआ और ये बिल्कुल फिट है फ्राई होने के लिए। और देखो हमारा भी बैटर बिल्कुल पानी के ऊपर ऊपर ही रह रहा है, नीचे नहीं जाके बैठा है। चलें जी अब हम अपना ऑयल गर्म कर लेंगे। ऑयल गर्म करके हम इसमें फुल्कियों का बैटर डाल देंगे और हमने 2 चम्मचों की हेल्प से लेके डालना है, ताकि जो हमारी फुल्कियाँ हैं वो अच्छी अच्छी फूली फूली और गोल गोल सी ने प्यारी प्यारी। चलें जी जब तक मैं ये फुल्कियाँ फ्राई कर रही हूँ आप लोग जाइए और जाके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मुझे ढेर सारा प्यार दीजिए, क्योंकि आप लोग के बगैर, आप लोग की सपोर्ट के बगैर मैं बाकी कुछ भी नहीं हूँ। अगर आप लोग सपोर्ट नहीं करेंगे तो फिर कौन करेगा। तो बात सारी यही और कुछ नहीं है, तो आप लोग का प्यार चाहिए, आप लोग की सपोर्ट चाहिए। और देखो यहाँ पर अच्छी अच्छी प्यारी प्यारी हमारी फुल्कियाँ रेडी हो रही हैं। अब जब ये थोड़ी थोड़ी ब्राउन हो जाएंगी तो फिर हम इनको पलट देंगे। देखो यहाँ पे ब्राउन हो गई एक साइड से, अब हम इनको पलट देंगे ऊपर से नीचे कर देंगे, ताकि जो नीचे वाला पार्ट है वो तो पक चुका है, अब इनका जो ऊपर वाला पार्ट है वो भी पक जाए और वो भी गोल्डन गोल्डन हो जाए प्यारा सा। चलो जी मैं आप इनको बदल रही हूँ। चलें जी अब फुल्कियों के बाद हमारी बारी आती है हमारे रायते की। अब रायते को पहले हम अच्छी तरीके से फेंट लेंगे,
हैंड बीटर की मदद से। अब जो हमने फ़कत चटनी तैयार की थी अपने हरे मसाले की, हम वो ऐड करेंगे। जितनी हमें उसकी नीड होगी हम उतनी ही ऐड करेंगे। ये नहीं कि पूरा चटनी का बाउल भर के बनाया तो हम पूरा ही डाल देंगे, ऐसा कोई सीन नहीं है। हमारी चटनी है वो तो हम बाद में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, उसमें नींबू डाल के या फिर टाटकी वगैरह डाल के हम उसको बाद में भी ऐड कर सकते हैं। अब देखो यहाँ पे हम मिल्क भी ऐड कर रहे हैं ताकि ये जो इतना गाढ़ा गाढ़ा योगर्ट है वो हमारा थोड़ा सा पतला हो जाए। अब यहाँ पे मैंने जो फुलकियाँ निकाली थी उनको फ्राई करके उनको हमने भिगो दिया था। अब यहाँ पे इनको हम निचोड़ लेंगे, निचोड़ के हम इनको डिश में रख लेंगे। और निचोड़ना बहुत ध्यान से और बहुत प्यार से ताकि हमारी जो फुलकियाँ हैं वो टूटे नहीं। अगर टूट जाएंगी तो वो टूट के बिखर जाएंगी और फिर वो पूरे रायते में मिक्स हो जाएंगी और फिर रायता गाढ़ा हो जाएगा और फिर आपका सब ख़राब ख़राब हो जाएगा, तो वो तो मज़ा नहीं आएगा फिर। तो फुलकियों को हमने बहुत ध्यान से निचोड़ना है कि इनका पानी निकले, इनकी जान ना निकले बेचारियों की। चलो जी अब यहाँ पे हम निचोड़ लेते अपनी फुलकियाँ। ये निचड़ गई हमारी फुलकियाँ, अब हम इनके ऊपर अपना रायता डाल देंगे जो हमने हरे मसाले की चटनी के साथ बनाया था। और अगर आप लोग को नमक हल्का वल्का लगे तो आप और भी ऐड कर सकते हैं, मतलब यहाँ पे चक के देख सकते हो आप रायते को कि अगर नमक हल्का लगे आपको तो आप ऐड कर लो, वरना ऐसे ही ठीक है। अब जी यहाँ पे हमारा रायता डल गया, अब हम यहाँ पे भगार बना लेंगे और भगार हम लगा देंगे। भगार में हमने कड़ी पत्ता, जीरा और लाल साबुत मिर्च डाली। और यहाँ पे जो भगार की खुशबू आई थी और आवाज़ आई थी ओए होए बहुत ही मज़ेदार थी, और इतने कोई लाजवाब और उम्दा तरीन ये बने थे हमारे हरे मसाले के दही बड़े के जो भी खाएगा ना वो अपनी उंगलियाँ भी चबा जाएगा, बहुत मज़ेदार बनते हैं। आप एक दफ़ा लाजमी बना के देखिएगा, आपको बहुत अच्छे लगेंगे इंशाल्लाह। अब यहाँ पे ऐसा गार्निशिंग के तौर पे मिर्च साबुत मिर्चें उनको फ्राई करके वो कड़क हो जाती, क्रिस्पी हो जाती, तो उनको ऊपर से छिड़का था क्योंकि वो बहुत अच्छे लगते हैं। हमारे थोड़े चटपटे खाने खाए जाते हैं, हम लोग दिल्ली वाले हैं तो हमारे वाले अच्छे तेज़ मिर्चों के खाने खाए जाते हैं, तो हमें हर चीज़ में थोड़ी मसाले वगैरह ज़्यादा चाहिए होते हैं, तो आप लोग समझ रहे हैं ना, मतलब बस वो वाली चीज़ और कुछ नहीं है, थोड़े मसाले वगैरह ज़्यादा चाहिए होते हैं तो हमने ऊपर से भी डाल दिया। आपकी ऑप्शनल है, आप डालना चाहें तो डालें, आप ना डालना चाहें तो ना डालें, आपके अपने ऊपर डिपेंड करता है, कोई मसले वाली बात नहीं। अगर आप ना भी डालना चाहें तो ये ऑप्शनल है। क्योंकि अब डलें जी, अब आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, कॉमेंट कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा। अब मैं आपको दिखाती हूँ यहाँ पर कि ये कितने नरम बने थे, इसको तोड़ के ही देखें अंदर से बिल्कुल ये फोमी फोमी सा बनता है और बहुत अच्छा बनता है। आप लोग एक दफ़ा ट्राई लाजमी कीजिएगा मेरे कहने पर।